हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हमेशा ही विभिन्न एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर लड़के को इस सेक्शन में, मैथ के सेक्शन में कठिनाई का सामना करने को मिलता है। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत ही यह एक समस्या बनकर उभरता है जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं कि वह मैथ की अपनी तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत सारे बुक हैं मार्केट में, आप एक किसी बुक को लेकर उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। आज हम रेलगाड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न लिए हैं वह बेसिक है, उससे हम फिर जो एडवांस रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम एक एक कर देखेंगे। पहला प्रश्न है, 108 किमी घंटा की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, पहले मान लीजिए कि ये पटरी है, इस पे एक रेलगाड़ी जो है जा रही है। अब मोदी जी का समय है तो बुलेट ट्रेन चल रहा है, तो बुलेट ट्रेन ही हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेलगाड़ी है, कह रहा है कि 108 किमी प्रति घंटा की इसकी चाल है। इसकी चाल जो है 108 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। और यह 90 मीटर लंबा है, यह जो है 90 मीटर जो है यह रेलगाड़ी लंबा है, ठीक है। कह रहा है कि ये 90 मीटर यह रेलगाड़ी लंबा है और एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। यानी यहाँ पे एक बिजली का खंभा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बिजली के खंभे को यह रेलगाड़ी कितने देर में पार कर लेगी, यानी कि इसके आगे भी पटरी होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो रेलगाड़ी है वह इस खंभे को कितने देर में पार कर लेगी, यही जो है इसमें निकालना है। यानी यह रेलगाड़ी इस खंभे को कितने देर में पार कर लेगी, वही टाइम निकालना है, यानी समय निकालना है, ठीक है। ये समय हमको निकालना है, आप समझ गए होंगे। ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 90 मीटर है, लंबा है, 108 किमी प्रति घंटा के चाल से चल रही है। एक खंभा है जिसको इस रेलगाड़ी को पार करना है, यानी पार करने के बाद, इसको पार करने के बाद इस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। एक ही रेलगाड़ी है, मैंने यहाँ पे पार करते हुए बताया। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले चूंकि 108 किमी प्रति घंटा है तो इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे। इसके लिए होता है एक्स किमी घंटा बराबर एक्स गुना 5/18 मीटर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाल रखेंगे 108 गुना 5/18, 18 से 108 कितने मरतबे कटेगा, 6 मरतबे कटेगा, और 6 में 5 से गुना करेंगे, 6×5=30 मीटर सेकेंड। अब चूंकि 90 मीटर लंबा है, मीटर में लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, 30 मीटर सेकेंड है, इसको हम 90 में भाग देंगे, तब तो पता चलेगा कि कितने देर में ये पूरी रेलगाड़ी इस खंभे को पार कर जाएगी। तो खंभे को पार करने में लगा समय बराबर 90 मीटर दिया हुआ है, दूरी तय करने में लगा समय, समय ही हमको निकालना है, तो 90/30
इससे ये कट जाएगा, 3 से 9 तीन मर्तबे यानी 3। अब क्या होगा, यह जो है सेकेंड में आएगा, यानी यह रेलगाड़ी इस खंभे को 3 सेकेंड में पार कर लेंगे। कितने सेकेंड में? 3 सेकेंड में। यही हमको निकालना था, यही इसका आंसर है। इस तरह के जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, और प्रश्न को उलझा दिया जाता है, इसमें कुछ और शब्द जोड़ दिए जाएंगे और इसी प्रश्न को लंबा कर दिया जाता है। तो आप जो है एग्ज़ाम में प्रश्नों को देखकर नहीं घबराइए, उसको 1 से 2 बार पढ़िए और तब उसको हल कीजिए। आसानी से इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे बन जाएंगे। इसमें आपको ये याद रखना है, इसको याद रखेंगे तभी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में बदल सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न भी रेलगाड़ी से संबंधित है और प्रश्न है, 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किमी प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। अब यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, पहले हम रेलगाड़ी बनाते हैं, ये समझिए कि पटरी है, ठीक है, पहले रेलगाड़ी बनाते हैं फिर आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि नए जो लड़के हैं उनके लिए बनाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न होते आसान होते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ये कठिन लगता है। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, ठीक है, आजकल मोदी जी बुलेट ट्रेन पर ध्यान दिए हुए हैं तो समझिए ये बुलेट ट्रेन ही है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है। अब प्रश्न से चलते हैं, कह रहा है 490 मीटर लंबा, यानी ये जो रेलगाड़ी है वह 490 मीटर लंबा है, ठीक है, ये रेलगाड़ी, और कह रहा है 63 किमी प्रति घंटा की चाल से चला, यानी ये रेलगाड़ी जो है 63 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 210 मीटर लंबी गुफा को। अब ये गुफा जो है इसी पटरी पर स्थित है, ये गुफा है, ठीक है, और कह रहा है कि ये जो गुफा है इसकी जो लंबाई है वह 210 मीटर है। इस ट्रेन को, इस गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा यही निकालना है। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किमी प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी यह ट्रेन इस गुफा को कितने देर में पार कर लेगी यही निकालना है, यानी समय निकालना है, ठीक है। जब यह ट्रेन इस गुफा को पार करेगी तो यह ट्रेन जो है इधर आएगा, यानी इसको कितना समय लगेगा यही हमको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, अगर 1-2 बार आप इसको समझ ले तो आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले तो हम गाड़ी की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में उसको मीटर सेकेंड में बदलेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स किमी घंटा बराबर एक्स गुना 5/18 मीटर सेकेंड। इससे पहले हम क्या करेंगे कि रेलगाड़ी का जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में उसको हम मीटर सेकेंड में बदल लेंगे। रेलगाड़ी का चाल कितना है? 63 किमी प्रति घंटा, तो एक्स के जगह पे 63 लिखेंगे। अब जो है इसको हल करेंगे, काटेंगे तो ये कितना होगा, 21 तीन मरतबे काटेंगे और ये 6, ये 2, ये 7, 7 × 5 = 35/2। ये क्या है, यह मीटर सेकेंड में रेलगाड़ी की चाल आ गया, क्योंकि लंबाई रेलगाड़ी का मीटर में दिया है, गुफा का भी लंबाई मीटर में दिया है, तो हमको मीटर सेकेंड में जब उसकी चाल निकालेंगे तभी तो समय निकालेंगे कितना देर में इस गुफा को पार करेगा, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार गुफा को पार करने में लगा समय, अब गुफा को पार करने में लगा समय निकालने के लिए हमको रेलगाड़ी का जो लंबाई है और गुफा का लंबाई है उसको जोड़ना होगा, और जो रेलगाड़ी की चाल है उसे भाग देना होगा, तभी तो गुफा को पार करने में लगा समय आएगा,
तो यहाँ पे 490 यानी ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई 210, ये क्या होगा, इसमें हम भाग देंगे कितना से, 35/2, ये आया है ना 35/2। रेलगाड़ी के चाल जब मीटर सेकंड में बदले हैं तब किलोमीटर प्रति घंटा को, तो ये हो जाएगा 700 × 35/2, दो ऊपर चल जाएगा, 35 से इसको काटेंगे, 7×5 = 35 और 7 से कटेगा यानी 100, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20, 20 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 40, यानी 40 सेकेंड में ये रेलगाड़ी इस गुफा को पार कर जाएगी, उसको इस गुफा को पार करने में लगेगा 40 सेकेंड का समय। यही हमको निकालना था। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, अगर आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को, किसी भी बुक से हमारे यूट्यूब पर देखिए या किसी अन्य यूट्यूब पर देखिए, उससे मतलब नहीं है, तो एग्ज़ाम में आपके सारे प्रश्न जो हैं बन जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है 63 किमी प्रति घंटा के चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। अभी हमने इस तरह का प्रश्न देखा था, ये SSC RRB में पूछा गया है, उसमें हम प्रश्न में देखे थे कि उसमें बोला था कि खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगा। इस प्रश्न में जो SSC में RRB में पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि पेड़ को पार करने में कितना समय लेगा वह हमको निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हम रेलगाड़ी पहले हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। ये पटरी है, पता ही है कि रेलगाड़ी दो पटरियों पर दौड़ता है, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, बुलेट ट्रेन रेलगाड़ी है। अब इसी तरह का ट्रेन जो है मोदी जी द्वारा चलाने की बात हो रही है, चलिए बुलेट ट्रेन को हम यहाँ पे बनाते हैं। रेलगाड़ी मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, कह रहा है कि ये रेलगाड़ी जिसकी चाल जो है 63 किमी प्रति घंटा, 63 किमी प्रति घंटा का अर्थ समझिए, एक घंटा में 63 किलोमीटर, इसका ये अर्थ होता है, एक घंटा में 63 किलोमीटर ये रेलगाड़ी चलता है एक घंटे में। 280 मीटर लंबा है रेलगाड़ी, यानी ये रेलगाड़ी 280 मीटर लंबा है, ठीक है। अब इसके सामने जो है एक पेड़ है, ठीक है, इसके सामने एक पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। कह रहा है कि इस पेड़ को इस रेलगाड़ी द्वारा पार करने में कितना समय लगेगा, यही इसमें निकालना है, समय कितना इसमें लगेगा इस रेलगाड़ी को पार करने में, यही निकालना है इस प्रश्न में। इस तरह के प्रश्न जो है होते हैं बहुत आसान, एक दो बार अगर इस तरह के प्रश्नों को आप देख लेंगे समझ लेंगे तो आसानी से इस तरह के प्रश्न जो है आप बना सकते हैं, समझ गए। प्रश्न कह रहा है कि इस रेलगाड़ी को इस पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा वही निकालना है। अब यहाँ रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में और लंबाई है मीटर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है हमको मीटर सेकंड में इसका चाल को बदलना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स किमी घंटा किलोमीटर घंटा बराबर एक्स गुना 5/18 मीटर सेकंड, इसके द्वारा हम बदलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार रेलगाड़ी की चाल है 63 किलोमीटर
पाँच बटा अठारह इस फॉर्मूले को इस पे अगर हम रखते हैं, इसके अनुसार हम मीटर सेकंड में इसको बदलेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, मीटर सेकंड में बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को। तो 18 से इसको काटेंगे, 3 से ये कटेगा 6, ये कटेगा 21, इसको काटेंगे 3 से ये 2 और ये 7, 7 × 5 = 35/2 मीटर सेकंड। ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल हम मीटर सेकंड में बदले, चूँकि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, मीटर में है। अब अभीष्ट समय निकालेंगे। अभीष्ट समय का यहाँ अर्थ है कि रेलगाड़ी को पेड़ को पार करने में कितना समय लगा है, इसको हमको निकालना होगा। तो 280 मीटर लंबा है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी 280 मीटर लंबा है, तो 280/35/2। अब ये ऊपर जाएगा तो 280/35×2, ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे ही रहेगा। अब इससे इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, इसको 7 × 5 = 35 और ये कटेगा 7 × 4 = 28, 5 से इसको काटेंगे 8, 8 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 16 सेकेंड। यानी ये रेलगाड़ी इस पेड़ को 16 सेकेंड में पार कर जाएगी। यानी ये रेलगाड़ी जब यहाँ आएगी, ठीक है, ये रेलगाड़ी को यहाँ ले आते हैं, ये रेलगाड़ी देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, समझाने के लिए बनाए हैं। तो ये देखिए, ये 16 सेकेंड में इस पेड़ को पार कर लिया, ठीक है। यही निकालना था, इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत आसान होता है, अगर आप एक दो बार हल कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है SSC RRB में। अभी RRB का एग्ज़ाम होने वाला है, NTPC का, BPSC में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार दरोगा में भी पूछे जाते हैं, SSC बैंकिंग रेलवे में तो प्रश्न इस तरह के रहते ही हैं। तो अगर आप रेलवे से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न का ट्रेंड समझ लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आप आसानी से इनको बना सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर भेजिए। हाँ दोस्तों, आप लोग का प्यार और सहयोग तो मिल रहा है, और भी ज़रूरत है मुझे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।